हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल सूट की सिलाई और करना। ठीक है, देखिए ये है नाप, लंबाई है 41, तीरा है 11, में हम गला 3 लेंगे, बाजू है 17, लंबाई फिटिंग है 5। तो देखिए पहले हम जो सूट है सेम नाप, उसको पहले नाप लेंगे हम। ठीक है, उसको नाप के तब हम बनाएंगे। इसके चेस्ट है 20, कमर है, हिप है। तो देखिए ये हम कटिंग कर चुके हैं सारा नाप ओके। यहाँ से ना जो नीचे डिजाइन है, डिजाइन को लाने के लिए कटिंग किया है, यहाँ से जोड़ देंगे तो लंबाई आ जाएगी। लंबाई 41 था, नीचे से पट्टी लगेगी तो हो जाएगी लंबाई। ये गला इसमें बना बनाया है, इसमें हम पेस्टिंग चिपका के डालेंगे। कंधी हम रखेंगे 3 रखेंगे, आधा दोनों साइड से आधा इंच सिलाई में जाएगा, 2.5 इंच बचेगा। इसमें क्या है, ज़्यादा है, इसको हम आधा इंच सील देंगे पहले गले में, क्योंकि हमें 3 इंच गला रखना है। कंधी है 7, चेस्ट है 20, तो 10 लिए है, कमर है 19.5, तो 9.5 है। ये है हीप है 21, तो 10.5 लिए है। इसमें हम 2 इंच, 1.5 इंच, फिर 1 इंच ऐसे करके रखेंगे। तो देखिए जैसे सेम हम आगे के काटते हैं ना, इस पीछे के कपड़े रखेंगे, आगे वाले जो फ्रंट वाले कटिंग है हम रख के सेम मैचिंग मिला के काट लेंगे। मैं कटिंग कर ली हूँ इसमें, अगले वीडियो में मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। ये बाजू है, तो बाजू में ना जॉइंट लगेगा, यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे जोड़ लेंगे। ये हमें जोड़ ली हूँ पहले ही, देखिए ये जोड़ लिया है ना, ये जो नाप है हम इसको ऐसे रखेंगे। अब इसको क्या करेंगे ना, इस नाप को हम इस पे ऐसे करके और ऐसे पलट के ना पलट देंगे। प्रेस होगा तो आप प्रेस भी कर देंगे तो निशान आ जाएगा, इधर दूसरे कपड़े में निशान आ गया। हम फिर एक बार चौक चला लेंगे, वो हमारी फिटिंग के निशान थे। वो देखिए पहले हम बाजू आपको अब एक जोड़ के दिखाते हैं। एक तो मैं पहले ही ज्वाइंट कर ली हूँ, अभी ज्वाइंट कर रही हूँ। देखिए अब घर बैठे बिल्कुल आसानी से सिंपल सूट ब्लाउज सब कुछ बनाना सीख लेंगे, इसमें कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसमें हम डबल सिलाई इसलिए लगाते हैं ताकि सिलाई टूटे ना। अब इसमें हम तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे, इसमें हम टाके बड़े लगाएंगे ताकि तुरपाई करने के फिर कच्चा तोड़ना पड़ेगा। इसको हम नापेंगे, ये कितना है 22। हमारी वो सूट की बाजू की लंबाई 17 था, इसकी 22 है, क्योंकि ये ठंडी वाला सूट है, वो पूरा फूल बाजू है, वो गर्मी वाला सूट था, तो ये 22 है।
अभी हमारा सूट का ना ये फ्रंट का है, ठीक है। तो इसमें हम जोड़ दिए, जो कट आपको दिखाए थे ना वो कट मैं अभी जोड़ी हूँ, अभी फिटिंग पे निशान लगा रही हूँ। अगर आपको जल्दी में सूट बनाना है, अभी गाला नहीं तैयार किए हैं, तो देखिए पहले कैसे सिलेंगे मैं सब बता दूँगी। पहले हम फिटिंग बना लेंगे सूट के, तब गला बनाएंगे। बाजू मैं रेडी कर ली हूँ, अब सूट की फिटिंग बनाऊँगी। पहले हम सूट की फिटिंग बनाएंगे, जो हम निशान लगाया है उसी पे सिलाई चलाएंगे। थोड़ा सा हट, थोड़ा सा निशान से हल्का को सिलाई बाहर करेंगे, लेकिन अंदर नहीं कर सकते। ये फिटिंग की सिलाई डबल करनी चाहिए, ताकि टाइट भी हो गया। तो एक हम पहले का सिलाई खोल दे, एक पैर की एक सिलाई लगाएंगे। देखिए हम दूसरे साइड फिटिंग कर रहे हैं, एक जो हमारी निशान पे है वो सिलाई लगेगी, और एक पैर हटा के लगाएंगे, डबल सिलाई लगेगी फिटिंग में। जो इसमें सिलाई लगेगी एक निशान पे, और एक एक सिलाई एक पैर की दबाव पे लगेगी, ताकि टाइट हो कपड़ा तो हम एक सिलाई खोल सके। हम नीचे से फोल्ड कर रहे हैं, घेरा बनाएंगे सूट के। फिटिंग हमारी हो गई दोनों साइड से। देखिए हम घेरा बना रहे हैं, घेरा बना लिए नीचे का चाप। आगे की हम नाप रखेंगे, फिर दोनों साइड चौक से निशान लगा के बैक साइड 70 का भी कपड़ा हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए दोनों बैक फ्रंट दोनों में फोल्ड कर ली हूँ। अब चेक करूँगी, नाप लूँगी, जो कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसे कटिंग करके निकाल दूँगी। वैसे कटिंग कर देते हैं तो सही होता है घेरा। अब हम इसके बाद बनाएंगे गले। जब गले बना लेंगे तब हम बाजू गाइड के जोड़ेंगे, इसमें बाजू लगाएंगे। अभी बस हम फिटिंग और घेरा बना रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद हम बाजू बन गले बनाएंगे। सबसे पहले जब गले बन जाएगी तब हम बाजू बनाएंगे, लगाएंगे। बन तो गया है बाजू, बस लगानी है इसमें। तो देखिए अब हम गले में पेस्टिंग चिपकाएंगे। ये जो पेस्टिंग है ना, एक साइड प्लेन होगा, एक साइड दानेदार होगा, ठीक है। तो दानेदार वाले हम कपड़े पे रखेंगे और प्लेन बाहर रहेगा। अब हम इसको प्रेस से चिपकाएंगे, दानेदार वाले अंदर रहेगा, ये ना चिपक जाएगा। जो स्टिचिंग प्रेस होती है उसे बहुत जल्द चिपकता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए हम प्रेस से चिपका लिए, अब हो गया ये। जब चिपक गया अब इसको हम कटिंग कर लिए हैं। देखिए हम उल्टे साइड की, ये जो बता रहे थे ना कि आधा इंच, इसको अंदर सिल देंगे। इसको हम ऐसे रखेंगे, इसको हम ऐसे करके अब इसमें इस साइड भी निशान आ जाएगा। फिर चौक से हम मिला लेंगे, चौक इस पे चला लेंगे ताकि निशान डार्क हो जाए। इसको हम थोड़ा सा गले फोल्ड कर दिए। देखिए हमारा गला बन गया, रेडी हो गया। देखिए ऐसे हम कंधे को सिलते हैं ना, ताकि इंटरलॉक करने ना पड़े, बिना इंटरलॉक के चल जाएगा। अब इस वजह से फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे, अब सही हो जाएगा। इस साइड भी ऐसे ही सिलेंगे, दोनों कंधे को हम ऐसे ही जोड़ेंगे। हेलो हाँ दादी, यहीं पे है? नहीं, मौर्य पार आ जाओगे? पार छठा छठ सांप को नहीं, कभी ज्यादा देर कर रही है, अभी इसमें तुरपाई कर देंगे। देखिए हम जोड़ के बाजू जाजू जोड़ दिए, बाजू लगा दी। अब हमारा सूट बन के रेडी हो गया। देखिए गला भी बन गया। सूट भी बन गया, रेडी हो गया।